आज सुबह ही झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें, हाल ही में उनको स्वास्थ्य में परेशानी को देखते हुए उन्हें रांची से चेन्नई एयरलिफ्ट कर ले जाया गया था। वहीं उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही शिक्षा मंत्री का निधन हो गया। बता दें, पिछले कई दिनों से झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शारीरिक रूप से स्वस्थ चल रहे हैं। अस्वस्थ महसूस होने के बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया था। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और चेन्नई जाकर जांच कराने की सलाह दी। इसके बाद उनके स्वास्थ्य को देखते हुए विशेष विमान से उन्हें चेन्नई ले जाया गया था। 14 मार्च से ही मंत्री चेन्नई के अस्पताल में इलाजरत थे। वहीं उनके निधन की खबर सुनकर झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। इस दुखद खबर की सूचना मिलने ही भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड सरकार के मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी के चेन्नई के अस्पताल में निधन की बेहद दुखद सूचना मिली है। लंबे समय से बीमारी को हराते हुए योद्धा की भांति डंटे रहने वाले जगन्नाथ जी का चले जाना पूरे झारखंड के लिए अत्यंत दुखदायी है। राजनीतिक भिन्नताओं के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उनकी जीवटता का मैं सदैव प्रशंसक रहा हूँ। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। भावभीनी श्रद्धांजलि। शांति शांति। वहीं जगन्नाथ महतो के निधन की खबर सुनकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दुख जताया। हेमंत ने लिख की अपूरणीय क्षति, हमारे टाइगर जगन्नाथ दा नहीं रहे। आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। चेन्नई में इलाज के दौरान आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुखद की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।